वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बिहेवियर। एक इंसान का बिहेवियर चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, वो कैसे होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी के अंदर आता है। जब हम किसी को एबनॉर्मल कहते हैं या किसी का बिहेवियर जब एबनॉर्मल होता है, यानी वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है और उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, वो अनयूजुअल पैटर्न्स को पढ़ाई करते हैं ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, और उनका जो बिहेवियर है, जो सामने वाले का इमोशंस है, थॉट है, जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते, उसे हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, द स्कोप ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज टू स्टडी। अब ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करती है, वो एक पढ़ाई करती है लोगों के इमोशंस का, उनके कॉग्निटिव या नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर्स का, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का, और ये पढ़ाई करती है टिपिकली एबनॉर्मल मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी टिपिकल जो कुछ हद तक अलग रहते हैं ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, कुछ नया, कुछ अजीब ही बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर्स को जो भी हमारे सोसाइटी में एज ए ह्यूमन बींग है उनका पढ़ाई करते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपना जो टॉपिक है वो, व्हाट इज़ बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर के अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल आता है। एबनॉर्मल भी साइकोलॉजी है, उसका थोड़ा सा हमने जिस्ट यानी एक लाइटली इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब उसी रिलेटेड बिहेवियर क्या है वो पढ़ते हैं। सो मोस्ट पीपल यूज द वर्ड बिहेवियर टू मीन कंडक्ट। कंडक्ट यानी उसका बिहेवियर, यानी सिंपली एक इंसान हमारे साथ जैसा बिहेव करता है, कैसा रहता है, उसका खाना पीना कैसा है, उसका नेचर क्या है लोगों के प्रति, जब वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हैं किसी ग्रुप ऑफ लोगों के साथ तो बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो बर्ताव, बिहेवियर इज इक्वल टू योर बर्ताव। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना उसका बर्ताव अच्छा नहीं है यार, अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं करता, यानी हिज बिहेवियर इज नॉट गुड। कुछ लोग होते हैं कि यार कुछ भी हो आप उसको उल्टा सीधा कुछ भी बोलो वो स्माइल करके निकल जाता है। हिज बिहेवियर इज वेरी काइंड, राइट। सो बिहेवियर इज एनीथिंग दैट अ पर्सन डज, मतलब एक इंसान जो कुछ भी करता है, उसका कुछ भी एक्टिविटी हो। ठीक है, अक्षय कुमार, हिज बिहेवियर इज वेरी हेल्दी बिहेवियर, बिकॉज वो सुबह 4-5 बजे उठते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, देन फिर शूटिंग्स करते हैं, फिर उसके बाद अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझसे नहीं होता, वो आपके बिहेवियर में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो वो बिहेवियरल इंटरनली होता है, साइकोलॉजिकल होता है, इसलिए लोग बोलते हैं सोचोगे तो वो होगा, इसलिए अच्छा ही सोचो। इन साइकोलॉजी बिहेवियर इज रिगार्डेड एज एनी ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी बाई ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी है उसे हम बिहेवियर कहते हैं, राइट। कोई भी एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो अगर आप खुद के दिमाग में कुछ सोच रहे हो तो वो बिहेवियर में शायद काउंट होगा, अगर आप सोचते सोचते एक्सप्रेशन दे रहे हो, बिना एक्सप्रेशन के सोच रहे हो या फिर ब्लैंक हो रहे हो तो वो भी एक बिहेवियर है। और उसे हम एग्जांपल में ऐसे कहेंगे कि यार मैं उनसे कल बात कर रहा था लेकिन सर तो अचानक से ब्लैंक हो गए, सामने वाला बोलेगा हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो माय बिहेवियर इज किसी की बात सुनते सुनते मैं कहीं और सोच में चले जाता हूँ, साइकोलॉजी, राइट, साइकोलॉजिकल बिहेवियर। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज कल्चर, एटीट्यूड, इमोशंस, वैल्यूज, एथिक्स, अथॉरिटी, रैपो, पर्सुएशन, कोएर्शन एंड जेनेटिक्स। सबका अलग अलग बिहेवियर है और सबके बिहेवियर का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कोई इमोशनल होगा, कोई वैल्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा है, कोई एथिकली सही रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग इमोशंस है, अलग अलग फैक्टर्स है, और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं इमोशंस, बिहेवियर जो भी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, एक इंसान सिर्फ कल्चरल नहीं होता, एक इंसान में सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड नहीं होता, एक इंसान सिर्फ और सिर्फ इमोशंस नहीं दिखाता या रोते नहीं रहता या सिर्फ हंसते नहीं रहता। ठीक है, सबका अलग अलग चीज़ है, और उसमें जेनेटिक्स यानी हमारा जो जनरेशन है, बायोलॉजिकल जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, वो भी सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है ह्यूमन बिहेवियर का। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न, सारे ह्यूमन बिहेवियर जो है हमने पढ़ लिखे रखे हैं और हमने
पढ़ा है, हमें पता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है एक्स वाई जेड, और दूसरा जो है एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर खाना ऑर्डर करेगा खाने के लिए, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। एबनॉर्मल में तीन मोबाइल फ़ोन लेकर आना, उसमें से दो सॉफ्टवेयर वाला मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड वाला, और उसमें से एक कीपैड वाला अलग से, और वो जो रिसाइकल किया हुआ बैटरी है ना वो अलग से गार्निश करके लाना। दिस इज समथिंग अनयूजुअल। ठीक है, यूजुअल नहीं है वो, अलग है यार। खाने में कौन टेक्नोलॉजी खाता है या फिर मोबाइल फोन को चबा के खाएगा? सो दिस इज नॉट अ लर्न बिहेवियर, दिस इज अनलर्न, दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस, राइट? देन ऑल बिहेवियर अकर्स फॉर अ रीजन। जो भी बिहेवियर है उसके पीछे एक रीजन है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, क्लास में कोई टीचर एंटर करते हैं एंड टीचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो भड़कने लगते हैं, इसके पीछे रीजन होता है। क्यों? मे बी आप में से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्टूडेंट हो सकता है जो टीचर्स को धीरे से कमेंट करे, उनको गलत फेशियल एक्सप्रेशन दे, उनको चिढ़ाए, हो सकता है। ऐसे ही टीचर गुस्सा नहीं करते। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो या फिर आपने पहले काम किया है वेकेशंस में, ठीक है, तो आपका बॉस जो है ऐसे ही भड़क नहीं जाता है। उसके पीछे मे बी आपके वजह से कुछ रीज़न हो सकता है, या मे बी किसी और के वजह से कुछ रीज़न हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी होता है, टीचर्स या फिर एम्प्लॉयज़ या फिर हम खुद, कहीं और का गुस्सा हम कहीं और पे निकालते हैं, तो वो बिहेवियर के पीछे एक रीज़न है। देन नो बिहेवियर्स अकर्स आउट ऑफ ब्लू। कोई भी बिहेवियर ऐसे अचानक से करंट शॉक की तरह नहीं आता है, उसके पीछे रीजंस है और वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होता है, इनबिल्ट होता है। कल को अगर आपको मैं बोलूँ कि सुबह 6 बजे उठो आप, तो आप क्या बोलोगे? सर पहले मुझे मेरे टाइम पे रेगुलर उठने दो। कभी मैं 12 बजे दोपहर को उठता हूँ, कभी मैं 9 बजे उठ जाता हूँ, कभी तो मैं शाम को 4 बजे उठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि रात को लेट सोता हूँ, तो मेरे बिहेवियर में एक नॉर्मल पैटर्न आने दो, उसके बाद जाके मैं आपका पैटर्न इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो इन्वॉल्व होता है, इनबिल्ट होता है बिहेवियर। बिहेवियर कंटिन्यूस टू अकर बिकॉज दे आर इफेक्टिव। बिहेवियर जो है वो कंटिन्यूसली आते रहता है बिकॉज वो इफेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेबल है। ठीक है, कोई भी बिहेवियर जो है एक टाइम पे होके फिर बार बार सॉरी एक टाइम में होके खत्म नहीं हो जाता है। वो बिहेवियर जो है वो बार बार होने वाला बिहेवियर है, राइट? तो बिहेवियर जो भी है वो कंटिन्यूस है, बिहेवियर्स आर कंटिन्यूस जो अकर करते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव है। हम हमारे बड़ों को देखकर नमस्ते बोलते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, दैट्स अ कंटिन्यूस बिहेवियर। ठीक है, अरे तुरे नहीं करते चाहे कितना भी मन करे, राइट? बिहेवियर स्टॉप अकरिंग व्हेन दे आर इनफेक्टिव। अगर बिहेवियर इनफेक्टिव है, जैसे कि आपका बिहेवियर था कि हमारे टीचर्स को जब भी मैं देखूँ, मार्केट में देखूँ या फिर स्कूल कॉलेज में देखूँ या किसी और जगह में देखूँ, सोसाइटी में देखूँ उनके, तो मेरा एक बिहेवियर है कि नमस्ते सर कैसे हैं आप, लेकिन सामने वाला सर मैडम हमें रिप्लाई देते ही नहीं है, इनएफेक्टिव है। उसको वो सर को मैडम को उनको विश करके कुछ मतलब नहीं है यार, वो ठीक से रिप्लाई नहीं करते, राइट? तो दैट्स एन इनएफेक्टिव, और हम लोग वो रुका देते हैं, ग्रेजुअली रुकाते हैं, सडनली नहीं रुकाते, धीरे धीरे रुकाते हैं। एबीसी मॉडल ऑफ बिहेवियर प्रिंसिपल्स के बाद कुछ तीन मॉडल है हमारे, जिनको हमने नाम दिया है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ए फॉर एंटीसीडेंट ट्रिगर, बी फॉर बिहेवियर एक्शन, एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंस रेस्पॉन्स। सो एंटीसीडेंट और बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस तीन एबीसी मॉडल है, ठीक है, और ये तीनों जो मॉडल है अपने अपने जगह में अलग से काम करते हैं। एंटीसीडेंट ट्रिगर मॉडल में आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाते हो और आपको एक अचानक से एक बिहेवियर ट्रिगर करता है। ठीक है, ये जो एबीसी मॉडल है, मैं आपको डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में आपको ये पढ़ाना है, इन शॉर्ट नहीं पढ़ाना, लेकिन शॉर्टली बिहेवियरल एक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर लोगों के साथ हम एक्शन करते हैं। कॉन्सिक्वेंस रिस्पॉन्स इज नथिंग बट सामने वाले ने कुछ बोला और मैंने उसको कुछ कर दिया, ये मेरा कॉन्सिक्वेंशियल बिहेवियर या रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये एबीसी मॉडल बिहेवियर जो है नोटबुक में लिख के रखिए, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो व्हेन विल यू अंडरस्टैंड दैट बीइंग नॉर्मल इज नॉट नेसेसरली अ वर्च्यू, इट रादर डोनेट्स डिनोट्स अ लैक ऑफ करेज। तो जब आप समझते हो कि नॉर्मल रहना
एक नेसेसरी वर्च्यू नहीं है. इट रादर डिनोट्स अ लैक ऑफ करेज. जो करेज है उसको हम बोलते हैं, एक लैक ऑफ करेज है, लैक ऑफ हिम्मत है बेसिकली. सो बीइंग नॉर्मल इज नॉट नेसेसरली अ वर्च्यू. नॉर्मल रहना इज नॉट अ नेसेसरी थिंग. आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर सकते हो. देखिए ये जो है पहाड़ में चढ़ रहा है, क्या हम इसे एबनॉर्मल कहेंगे? नहीं, इन्होंने अपने लाइफ में अलग डिसीजंस लिए हैं, आउटस्टैंडिंग डिसीजन लिए हैं, लेकिन इनका बिहेवियर जो है जानवरों वाला बिहेवियर है, जो चढ़ना है पहाड़ को, राइट? सो इट्स अ करेज, ठीक है, जो हम लोग नहीं करते. सो लैक ऑफ करेज इज इम्पॉर्टेंट. स्क्रीन में शायद ही आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, तो बिहेवियर के बारे में बोल रहा है और उनके मैनर्स के बारे में बोल रहा है. तो बिहेवियर जो है उनके मैनर्स के हिसाब से बिहेव करता है. मैं इसका पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा. इस का फोटो जो है, पर्टिकुलरली इस स्क्रीन का फोटो मैं आपको भेज दूंगा एडिट करके. ओ ओ आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सिस्टमैटिकली इशू, टेक्निकल इश्यूज में भी हो गया होगा. तो इसको आप अवॉइड कीजिए, मैं आपको ये दो चीज़ जो है अलग से बताऊंगा. लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ दिख रहा है, नॉर्मल वर्ड, ठीक है, नॉर्मल वर्ड जो है, नॉर्मल और एबनॉर्मल. यहाँ पे बिहेवियर जो है नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो हम डिफरेंस कर सकते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है. अब वेस्टर्न कंट्रीज में यू कैन किस इन पब्लिक बट नॉट पीस इन पब्लिक, मतलब पब्लिक में यू कैन लव योर पार्टनर, ठीक है, बट यू कैन नॉट पीस, ठीक है. टॉयलेट आप पब्लिक में नहीं कर सकते, आपको अलग से उसके लिए एक जगह बनाना है. लेकिन इंडिया में यू कैन पीस इन पब्लिक बट नॉट पीस इन पब्लिक, राइट? तो आप यहाँ पे इंडिया में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ नहीं कर सकते. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, राइट? तो देखिए अलग अलग फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को. एक तो जेनेटिक्स है. जेनेटिक यानी परंपरागत आता है. पैटर्न ऑफ बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स. तो पेरेंट्स से हमें मिलता है और इसलिए हम बोलते हैं अरे तो उसके पिताजी पे ही गए हैं, सेम बिहेवियर, सुनते ही नहीं है हमारा, राइट? देन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और वो जिस तरीके से उस सिचुएशन में जाते हैं उस हिसाब से उनका बिहेवियर बनता है. उस समझिए 4 या 5 साल की उम्र में किसी का एक 6-7 साल के चोर के साथ दोस्ती हो गया, तो वो चोर क्या करता है, इसे भी चोरी सिखाता है 5 साल के बच्चे को. अब ये जो है संगत का असर है, जो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आए. चोरी गलत है लेकिन वो किसी ने बताया नहीं, हमें फायदा मिल रहा है उससे, तो चलो चोरी करता है. देन सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स है, रूल्स है, उस हिसाब से ये बिहेवियर और जो पैटर्न है एटीट्यूड का वो चेंज होता है. अगर आप कोई 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाओगे तो आपको वो एटीट्यूड, जो रिच वाला एटीट्यूड है, वो मेंटेन करना पड़ेगा, उन जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा. सो सोशल सोशल नॉर्म है, सोसाइटी का नॉर्म है. पोर फेथ एंड सोशल कल्चर, जो भी फेथ है सोशल कल्चर है उस हिसाब से हमें बर्ताव करना पड़ता है, ठीक है. रिलीजियस फेथ है, फिलोसॉफिकल थिंकिंग और इमोशनल वेलबींग है, ठीक है. दिवाली आई तो आप उन्हें ईद की बधाई नहीं देते हो, राइट? क्यों? सोशल कल्चर है वो. दिवाली में दिवाली ही विश करते हैं हम लोग और दिवाली में सिर्फ दिवाली ही सेलिब्रेट करते हैं. आप वहाँ पे पतंग नहीं उड़ाते हो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ठीक से, ठीक है. मैं ये टेक्निकल इशू जो है वो ठीक करूंगा. मैंने इसको अच्छे से एडिट किया था बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्ले इश्यूज आ रहे होंगे शायद, तो वो मैं ठीक कराऊंगा और आपको इसका, स्पेशली इस वीडियो का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, एक क्रिएटिविटी और दूसरा एटीट्यूड. क्रिएटिविटी पुशेस पीपल पास द कंफर्टेबल जोन. क्रिएटिव लोग जो है कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और वो थोड़ा आउटस्टैंडिंग काम करते हैं. जिसमें एटीट्यूड है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फेवर और डिसफेवर, लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ अ पर्सन टूवर्ड अ पर्सन प्लेस थिंग और इवेंट. द वे अ पर्सन बिहेव्स डिपेंड्स अ लॉट हाउ ही लुक्स एट द सिचुएशन. तो एटीट्यूड इज समथिंग विच इधर यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट, ठीक है. कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है, कुछ लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है. नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा डिसलाइक और डिसफेवर में रहते हैं. आपने कुछ बोला तो आपके अगेंस्ट में कुछ और उनको नेगेटिव में बोलना ही है. कुछ लोग होते हैं कि आपके बात सहमत होते हैं लेकिन आपके अगेंस्ट भी बोलते हैं वो, ठीक है.
वो अलग एटीट्यूड है। कुछ लोगों को आपका पॉइंट नहीं पसंद आता, लेकिन वो अप्रिशिएट करके वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये चीज़ है। तो सबका अलग अलग एटीट्यूड है बिहेवियर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, एक नॉर्मल बिहेवियर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी में वो परसेप्शन रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ओन्स वंस ओन सेल्फ, एक्सेप्टिंग वीकनेसेस एंड टेकिंग प्राइड इन स्ट्रेंथ। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करना कि किसी टीचर ने बोला है कि आपको पढ़ाई एक बार में नहीं समझ में आती, तो यस नहीं समझ में आती, वो मेरा वीकनेस है, और आपका जो स्ट्रेंथ है उसको आप प्राइड दो, उसको आप इम्पोर्टेंस देते हो। दैट्स अ नॉर्मल बिहेवियर। एडिक्वेट इन वर्क प्लेस एंड लेजर, एडिक्वेसी रहनी चाहिए अपने वर्क या फिर अपने प्लेस जगह में या फिर अपने लेजर टाइम में। विलिंग टू यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन लाइफ प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए कि प्रॉब्लम आया तो उसे कैसे सॉल्व करें, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम समझ के रोना या फिर वहीं पे रुकना इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। कैपेसिटी टू अडॉप्ट वन सेल्फ टू करेंट सिचुएशन, नॉर्मल बिहेवियर में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उस सिचुएशन में अडाप्ट कर लेते हैं कि यस ये सिचुएशन है तो है, इसमें से बाहर कैसे आना है इसके बारे में सोचते हैं। कैपेसिटी फॉर विथस्टैंडिंग एंगजाइटी एंड स्ट्रेस, एंगजाइटी यानी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है मुझे, उसमें हम विथस्टैंड करते हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मेलिटी वर्सेस एबनॉर्मेलिटी, शुरुआत में ही पहले स्लाइड में हमने एबनॉर्मल के बारे में पढ़ा, तो हम देखते हैं कि नॉर्मल एबनॉर्मल। इन द मेडिकल प्रैक्टिस इट्स इजी टू डिसाइड वेदर नॉर्मल इन एग्जामिनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द ब्लड प्रेशर, द ब्लड ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो मेडिकल टर्म्स में हम बात करेंगे तो उनका जो ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, ब्लड ग्लूकोज वैल्यू है, इस हिसाब से हम उसे नॉर्मल है या बीमार है, बीमार इन द सेंस अ बिट एबनॉर्मल, ठीक है, वो बता सकते हैं। हाउएवर ऑन साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल लेवल वी कांट हैव एन आइडिया ऑफ आइडियल मॉडल ऑफ अ मैन और आइडियल बिहेवियर टू बी सेट एज अ स्टैंडर्ड और नॉर्म। लेकिन जब साइकोलॉजिकली आप उसे देखते हो तो कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि यही इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो आप नॉर्मल इंसान हो, अगर वो फॉलो नहीं करते तो आप एबनॉर्मल हो, ऐसा कोई साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है किसी इंसान का। एबनॉर्मल बिहेवियर अगेन स्क्रीन डिस्प्ले इशू, आप बस सुनते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको पढ़ के दिखाने का। सो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है डिफाइंस एज अ बिहेवियर दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग सोशल अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। अब देखिए सिंपल, अब नॉर्मल बिहेवियर जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, और वो जो उनका जो कॉग्निशन मेथड है, जो अलाइंड करने का एक मेथड है, दैट्स अ बिट नेगेटिव एंड नॉर्मल इंसान से वो अलग होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पिछले वाज ये जो स्क्रीन है ये नॉर्मल स्क्रीन है, बट ये जो आपको दिख रहा है एबनॉर्मल है। क्या हम लोग रेगुलरली ऐसा देखते हैं? कुछ इश्यू होगा तो ही एबनॉर्मल है, तो इसी वजह से एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर अगर कोई करता है इसका मतलब या तो वो मेडिकल इश्यू होता है या फिर साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, ठीक है। व्हाट इज एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटी का मतलब क्या है? अ मैन, पढ़ ही सकते हो आप क्या है, दिस इज अबनॉर्मल, लेकिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है अभी एलजीबीटी में, ठीक। अ मैन बार्किंग लाइक अ डॉग, मस्ती मजाक में ठीक है, लेकिन एक्चुअली पूरा लाइफ नॉट पॉसिबल, दैट इज एन अबनॉर्मल थिंग। अ वुमन स्लैपिंग अ चाइल्ड, स्लैपिंग एंड बीटिंग में फर्क है, बीटिंग इसलिए क्योंकि मेरा बच्चा है, स्लैपिंग अ चाइल्ड मे बी किसी और का बच्चा है, राइट, दैट्स एन अबनॉर्मल थिंग, किसी बच्चे को ऐसे कान के नीचे नहीं मारता कोई। वुमेन रिफ्यूजिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, फास्ट है तो अलग कंडीशन है, लेकिन मुझे खाना खाना ही नहीं है, आई एम हैप्पी विदाउट माई फूड, एबनॉर्मेलिटी। अ मैन ड्राइविंग अ नेल थ्रू हिज हैंड, अपने हाथ के ऊपर नाखून घुमाना इज एन एबनॉर्मल थिंग, स्क्रैच करना, खुजली करना इज नॉर्मल, बट सिर्फ नाखून ऐसे ही घुमाना अपने हाथों में, अपने बॉडी में, अपने स्क्रीन में, एबनॉर्मल थिंग। वुमन मेकिंग अ श्राइन एंड ऑफरिंग टू हर डेड हस्बैंड, एक किसी का हस्बैंड डेड हुआ है, उनके लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया और वो ऑफर कर दिया, उनके हस्बैंड का मंदिर, नॉर्मली लोग नहीं करते,
एबनॉर्मल थिंग है, अच्छी चीज़ है बट एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल बिहेवियर, द वर्ड एबनॉर्मल विथ प्रिफिक्स एब यानी अवे फ्रॉम, ठीक है, नॉर्मल से कहीं दूर, मीन्स एनीथिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल और एक्सेप्टेबल, कुछ भी जो नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल है उससे कहीं दूर। इट मीन्स डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म और स्टैंडर्ड और रूल, किसी रूल और किसी डेविएशन से थोड़ा सा हटके है, ठीक है। डिफाइनिंग एबनॉर्मलिटी, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल, क्रिएट डिसकम्फर्ट इन अदर, प्रोड्यूस डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी, गिल्ट, कॉज हार्म्स इन अदर, इनएबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली, लीगल कंसेप्ट, नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो एबनॉर्मलिटी मतलब क्या है? एब इज इक्वल टू फ्रॉम अवे, नॉर्मल से कहीं दूर, तो वो डिविएट होता है अपने नॉर्मल बिहेवियर से, नॉर्मल आइडियोलॉजी से, कंफर्ट से, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गिल्ट में रहता है हमेशा, ठीक है, लोगों को हार्म करते रहता है, उसका जो फंक्शनैलिटी है वो भी इफेक्टिवली नहीं चलता, इनएबिलिटी में हो चले जाता है। लीगल कंसेप्ट के हिसाब से देखें कि क्या सही है क्या गलत है, ये जानना इज़ अ, ये पहचानना इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर। आप बोलो कि गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है नहीं चलाना चाहिए, एनवायरनमेंट खराब होता है, लेकिन गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए इज एन एबनॉर्मल थिंग। अगर सभी लोगों ने अपना व्हीकल नहीं चलाया तो रेलवे चलेगा गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं चलेगा, तो आप ट्रैवल कैसे करोगे? दैट्स एन एबनॉर्मल बिहेवियर विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो लीगली क्या सही क्या गलत अगर समझते हो, यू आर नॉर्मल, नहीं समझते, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ आड़ा टेढ़ा चीज़ बोलते हो, दैट्स एन एबनॉर्मल थिंग, एबनॉर्मल बिहेवियर। डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर विच इज सीन, कॉग्निटिव डोमेन, थिंकिंग, नोविंग, मेमोरी, कॉग्निटिव, ये तीन चीज़ जब हम लोग बात करते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। अफेक्टिव डोमेन इमोशंस एंड फीलिंग, कॉग्निटिव डोमेन साइको मोटोर एंड एक्टिविटी, राइट। तो डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर विच इज सीन इन, इन तीनों के अगर बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आ जाता है, कॉग्निटिव डोमेन में यानी आपके थिंकिंग, नोविंग या मेमोरी में, या फिर इफेक्टिव डोमेन आपका जो इमोशन है, आपके जो फीलिंग्स है वो, कॉग्निटिव डोमेन जो साइको मोटर एक्टिविटी है वो, तो इनमें कुछ चेंज या डिस्टरबेंस आता है तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। द इंडिविजुअल विथ एबनॉर्मल बिहेवियर मैनिफेस्ट हिज मेंटल डिस्ट्रेस थ्रू थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। जो इंडिविजुअल एबनॉर्मल बिहेवियर करता है उसे मेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है, उसके थॉट और उसके फीलिंग्स और उसके एक्शन में चेंजेस दिखाई देता है। डिफाइनिंग एबनॉर्मल बिहेवियर, बिहेवियर दैट इज हार्मफुल टू द सेल्फ और टू द अदर विदाउट सर्विंग इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ। सो एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? हार्मफुल टू सेल्फ, सबसे पहले हार्मफुल है खुद के लिए जो एबनॉर्मल है उनके लिए, टू द अदर्स विदाउट सर्विंग इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ। कोई इंसान रैंडमली उठ के किसी को भी कान के नीचे मारते और सामने वाले ने रिएक्शन करके उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्म कर लिया, मतलब मुझे कान के नीचे मारा इसलिए मैंने तुम्हारा नाक तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, आँख तोड़ दिया, ठीक है, किसके वजह से हुआ? आप एबनॉर्मल हो, आपका एबनॉर्मल बिहेवियर ट्रिगर कर गया, किसी शांत इंसान को जाके आपने स्लैप कर दिया, मार दिया उसको कान के नीचे, तो हार्मफुल है ये। पुअर रियलिटी कॉन्टैक्ट, बिलीव दैट मोस्ट पीपल डोंट होल्ड ऑन सेंसरी परसेप्शन ऑफ थिंग दैट मोस्ट पीपल डू नॉट परसीव। रियलिटी कॉन्टैक्ट जो है वो कम होता है, ठीक है, वो नहीं समझता कि यार मेरी सेंसरी परसेप्शन क्या है, कि सेंसिबल चीज़ है कि नहीं है। इमोशनल रिएक्शन इन अप्रोप्रिएट टू द पर्सन सिचुएशन, ठीक है, सारा माहौल डिप्रेस्ड है और एक बंदा हंस रहा है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल सिचुएशन से हट के, अवे फ्रॉम नॉर्मल सिचुएशन। इराटिक बिहेवियर, बिहेवियर दैट शिफ्ट अनप्रडिक्टेबली, मतलब समझ में नहीं आता, एक बंदा आपके क्लासरूम में बैठा है, टीचर एकदम सीरियसली आपको कुछ इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स या कुछ पढ़ा रहे, अचानक से वो स्माइल करता है, फिर उसके चेहरे पे एक रोने वाला इमोशन आ जाता है, सडनली 2 मिनट बाद वो ब्लैंक हो जाता है, मतलब चल क्या रहा है? इमोशनली यू आर डिफरेंट और अलग अलग तरीके से आप अचानक से बिहेव करते हो, अलगली आप एक मूड से दूसरे मूड में शिफ्ट हो जाते हो, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, दैट्स अ इरेटिक बिहेवियर।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन पर्सन थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी, परसेप्शन एंड जजमेंट, ठीक है, लोगों का जो चेंज है वो थिंकिंग प्रोसेस में, वो चेंज जो है अलग तरीके से होता है, सबका परसेप्शन जो है वो अलग रहता है, रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी एंड जनरल स्टैमिना, अपना जो वर्क एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है और जनरल जो वर्किंग स्टैमिना है वो भी कम होता है, फॉरगेटफुलनेस, बहुत भूलते रहते हैं, ठीक है, ये एबनॉर्मल है, हम लोग हर चीज़ याद रखने में माहिर है इंसान, लेकिन अगर आप भूलने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप एबनॉर्मलिटी में जा रहे हो, अनेबल टू कोप विथ स्ट्रेस, आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक एबनॉर्मल चीज़ है, डेवलप एंग्जाइटी वरीज एट द स्लाइट डिस्टर्बेंस इन डेली रूटीन, गुस्सा आ जाता है, आप स्ट्रेस हो जाते हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो सब में डेली रूटीन में, कंप्लीट लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर, खुद के लिए भी रेस्पेक्ट नहीं रखते, आप रोड में जाते हो किसी को भी गाली गलेज करते हो, एबनॉर्मल है वो, हम फिर उस इंसान को सोसाइटी में कोई भाव नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई रेस्पेक्ट नहीं देता इन अ सोफिस्टिकेटेड टर्म, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, ग्रेटिफिकेशन नहीं रहता उस इंसान में, शॉर्ट टेम्पर्ड, बी केयरफुल। सिम्टम्स क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर के, एक तो इजीली गेटिंग अनॉयड और नर्वस, सी इजीली वो रो देते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ऑफन और ऑलवेज अपियरिंग एंग्री, हमेशा गुस्से में रहते हैं, ऑलवेज पुटिंग द ब्लेम ऑन अदर्स, लोगों पे ब्लेम करते हैं जबकि उनका गलती नहीं है, तो रिफ्यूजिंग टू फॉलो रूल्स और क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, रिफ्यूज टू फॉलो रूल्स मतलब आपको बोला है कॉलेज में एंट्री करते ही आपको आई कार्ड पहनना है, यू रिफ्यूज इट, क्यों पहनना है, you know me and I know you, simple thing, see that's a rule you have to follow, agar nahi follow karte somewhere mentally you are abnormal, then you are not accepting the social ya fir educational policy, arguing and throwing temper tantrum, theek hai, temper tantrum aa jata hai, aap kuch bhi anaap shanaap bol dete ho, that's an abnormal thing, having difficulty in handling frustration, frustration को भी आप handle नहीं कर सकते और frustration में आप कुछ भी बोल के निकल जाते हो, psychological disorder associated with serious behavior abnormality, anxiety disorder, ये psychological disorder है, post traumatic stress है, obsessive compulsion है, panic disorder है, phobia है, ये अलग अलग तरीके के scientific नाम है इनके disorder के, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कुछ ट्रामा है उसके बाद आपको एक डिसऑर्डर आ गया, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर OCD, ये नाम आपने बहुत जगह पे सुना रहेगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड विथ सीरियस बिहेवियर एबनॉर्मलिटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो सकता है, सोमाटोफॉर्म ऑनोमिक डिसऑर्डर कन्वर्शन, हाइपोकॉन्ड्रेसिस, देखिए ये जो है साइंटिफिक नाम है, आई नो स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल प्रॉपरली, आपको इसका PDF मैं अच्छे से भेज दूंगा एडिट करके, लेकिन ये जो है साइंटिफिक नाम है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके बुक में ये लिखा हुआ मेंशन होना चाहिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सीरियस बिहेवियर एबनॉर्मेलिटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, सीरियस बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी क्या है, ठीक है, अब एक है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, उसमें क्या है हम लोग वो डिसऑर्डर को डिसएसोसिएट करते हैं इंसान को, ठीक है, व्हेन द पर्सन हैज़ अ पर्सनालिटी दैट इज फ्रैगमेंटेड और सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें खुद का पर्सनालिटी अलग है और उसके साथ और 3-4 लोगों को लेके घूमता है, पहले खुद का अंकल बनता है, खुद का पिताजी बनता है, ही बिहेव्स इन दैट वे, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, एमनेसिया होता है, फ्यूग होता है, ठीक है, ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा आप, ठीक है, अफेक्टिव डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मैं आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपके पास वो नोट्स होने चाहिए और आपको उसका आंसर आना चाहिए, इसलिए तो effective disorder में in which a person suffer from abnormally high or low moods for a longer period of time, affective disorder, ये एक disorder है कि वो शांत है तो 3-4 घंटे 6 घंटे शांति है, अगर वो बहुत excited या फिर active है तो बहुत ज़्यादा देर तक वो active है जो normal इंसान नहीं रहता, तो उसे 2 category में divide, 3 disease में divide किया है, major depressive disorder जहाँ पे बहुत ज़्यादा होपलेसनेस होता है, गिल्ट होता है, सैडनेस होता है, ठीक है, मेनिया
वेयर देर इज ओवरली हाइपर एक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक स्टेट, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है वो, बाइपोलर विथ एक्सट्रीम शिफ्ट इन मूड्स, ठीक है, कुछ लोगों में होता है ये बाइपोलर डिसऑर्डर। आपने सारे शायद नाम सुने रहेंगे बट डिटेल में आपने नहीं किया होगा या समझा नहीं होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ सीरियस बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, इसमें एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, शिजोइस डिसऑर्डर है, ठीक है। ये आप डिसऑर्डर सिर्फ लिख के रखिएगा, आपको इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। स्क्रीन आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखिए, अगेन सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिक, कैटोनिक सिजोफ्रेनिक, पैरानोइड सिजोफ्रेनिक, ठीक है। सिर्फ याद रखना है, समझना है बेसिकली आपको कि ये डिसऑर्डर्स भी है। किसी ने आपको अगर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पूछा तो आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पे साइंस लेकर नहीं बैठे हैं, हम कॉमर्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉमर्स में भी ह्यूमन बिहेवियर जनरली साइंटिफिकली भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा डिसऑर्डर्स में डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको देखना है, समझना है, और ये पता होना चाहिए आपको कि यस ये नाम है, ये डिसऑर्डर्स के नाम है, अगर इंटरव्यू में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, द कॉजेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न इज ट्रेमेंडसली कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ गिवन सर्कमस्टेंसेस विल अफेक्ट ऑफ हैज अफेक्टेड द पर्सन। सो कॉजेस जो है एबनॉर्मल बिहेवियर के वो ट्रेमेंडसली कॉम्प्लेक्स है और इम्पॉसिबल है कि क्या हो सकता है इसके साथ और इस वजह से ये इतना एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर इज रिजल्ट ऑफ आउटकम ऑफ फॉल्टी डेवलपमेंट, साइको सोशल स्ट्रेस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फॉल्टी डेवलपमेंट यानी मे बी जन्म में उसको कुछ हो गया रहेगा, ठीक है, जब पैदाइशी में कुछ तकलीफ हुआ रहेगा, उसके जो ग्रोथ है जब वो बचपन से बड़ा हो रहा था तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बिहेवियर सिखाया। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक कोई तो शहर में एक बच्चा पैदा हुआ और उसको बंदर उठा के लेकर गया। अब उसको सब सोसाइटी में ढूंढ रहे, मतलब शहर में ढूंढ रहे कि हमारा बच्चा कहाँ गया, सीसीटीवी में तो दिख नहीं रहा है। और वो ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे, जहाँ से बच्चा लेकर गया वो बंदर, वहाँ पे तो सीसीटीवी नहीं था, बैकयार्ड में विंडो खुला था, ग्रिल जो है उससे वो बंदर घुस जाता था अंदर और बच्चा भी आ जाता था, इतना वाइड ग्रिल था वो। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो बच्चा जब गया शहर के बाहर बंदर लेकर, उसको 15-20 साल बाद जब उस बच्चे को देखा तो उसका जो बिहेवियर है वो अलग है। वो बोल नहीं पाता था, वो बंदर वाली लैंग्वेज समझता था, शेव नहीं किया है, जंगली जानवर जैसे दिखता था, बिकॉज ही डज नॉट नो कि हुआ क्या है मेरे साथ। उसे बस इतना पता है कि मैं यहाँ का जंगल में रहने वाला एक कोई तो हूँ प्राणी, सबसे अलग दिख रहा हूँ और ये मेरे घर वाले हैं। ये है फॉल्टी डेवलपमेंट। देन साइको सोशल स्ट्रेस, कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो वो आउट ऑफ वे चले जाते हैं और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है। कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि यार मैं वो पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था ना तो बहुत मेंटल स्ट्रेस था मेरे को यार, हमेशा मैं स्ट्रेस में रहता था, मेरा बिहेवियर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया, मैं समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अभी का जो मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है यार, एकदम हंसी खेलते हुए चल रहा है, मज़ा आता है मेरे को। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेवलपमेंट एंड साइको सोशल स्ट्रेस। कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर में बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, जैसे क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज है, जेनेटिक डिफेक्ट्स है, फिजिकल डेप्रिवेशन है, ठीक है। तो हमें देखिए जनरली ये पता है, जेनेटिक डिफेक्ट ये जो है साइंटिफिक टर्म है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे ना हमें ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, हमें बस इतना ही पूछेंगे कि एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये नाम आपको लिख के रखना है तीनों। साइको सोशल फैक्टर्स में मैटरनल डेप्रिवेशन, किसी का देखो डिवोर्स हो रहा है तो बच्चा कहाँ जाए, किसके पास रहेगा, माँ के पास रहना चाहता है लेकिन बाप गुस्सा हो जाएगा, बाप के पास रहना चाहता है लेकिन माँ गुस्सा हो जाएगा, क्या करूँ मैं, यह है साइको सोशल डिप्रेवेशन। फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है वो फॉल्टी है, ये मांग रहा है मुझसे प्यार करो लेकिन दोनों अपने अपने जगह में बिजी है।
ओवर प्रोटेक्शन हो गया, ओवर परमिसिवनेस एंड इंडलजेंस हो गए, फॉल्टी डिसिप्लिन है, अनरियलिस्टिक डिमांड्स है, पुअर कम्युनिकेशन है, अनडिजायरेबल पेरेंट मॉडल है, इन सारे के वजह से क्या होता है, साइको सोशल फैक्टर्स इम्पैक्ट करता है और वो एबनॉर्मल बिहेवियर करना चालू करता है। कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर ही पढ़ रहा है और उसमें साइको सोशल फैक्टर्स में अर्ली फेजिक ट्रामा, डिसकॉर्डेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द फैमिली एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर में एक और चीज़ है कि प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप इतना मॉडर्न होते हैं कि आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन दैट्स नॉट मैंडेटरी। आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, सीधा। आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आप इंजीनियरिंग का नॉलेज लेके क्या करोगे? कॉमर्स में आप मुझे पूछिए कि क्या है क्या नहीं, लेकिन लोग मानते ही नहीं है, उनको सब सब चाहिए उनको। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू नो एनी थिंग गुड, इफ़ यू डोंट नो एक्सेप्टेड, आई डोंट नो एंड लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, नहीं पता है मेरे को, आप बताइए क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये मॉडर्न लाइफ का प्रेशर है हमारे पास। सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो है वो भी एक कॉजेस है एबनॉर्मल का। जब आप हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुने होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बोला है कि वो जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसके बाद वहाँ पे जो बच्चे जन्मते हैं आज भी, वो नॉर्मल नहीं जन्मते जन्मते एबनॉर्मल जन्मते हैं। क्यों? क्योंकि दैट्स, उसके पीछे एक सोशल कल्चरल फैक्टर है। वो वॉर नहीं होता तो शायद वहाँ के लोग अभी भी नॉर्मल ही पैदा होते, एबनॉर्मल पैदा नहीं होते। ठीक है, तो वॉर एंड वायलेंस है, रेशल डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, रैपिड सोशल चेंज है, इनके वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपने सारी चीज़ें देखी, पढ़ी, समझी। कुछ स्क्रीन डिफेक्ट थे, मैंने देखा स्क्रीन में कुछ चीज़ें नहीं ठीक से दिख रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको ये पीडीएफ भी भेजूंगा, आपको लेक्चर वीडियो भी भेजूंगा। पहले पूरा लेक्चर वीडियो आपने सुना, उसके लिए थैंक यू। अब आपको क्या करना है, पीडीएफ देखते देखते आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। पीडीएफ का कोई भी प्रिंटआउट अपने नोटबुक में नहीं रखेगा, आपको लिखना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।